समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह इटावा में आई थी 232 करोड़ की 327 योजनाओं का शिलान्यास करते। सोचा दिल्ली की गद्दी हासिल करनी है तो जनता से बात कर लेते हैं। बात शुरू की तो फिल्मी हीरोइन की, उस हीरोइन की जो पार्टी में कभी साथ थी आज अलग है। बोले, दोस्त लाया था लेके चला गया। जनता को नेताजी ने हीरोइन का नाम तो नहीं बताया, लेकिन एसपी में मात्र एक ही हीरोइन थी, वो भी जयप्रदा, जो अब अमर सिंह की पार्टी में है। एक जरूर है, ठीक ठाक देखने में थी, कुछ हीरोइन थी, भाग के इधर उधर तू धोखा क्यों है? अब वो धोखा देगी, लेकिन अब वो पार्टी ने छोड़ नहीं पा रही। बालाघाटी पार्टी छोड़ी तो सदस्यता चली जाएगी, तो वहां जाकर के बैठती अलग है, जाके वहां लिख के देती नहीं है, स्पीकर को लिख के दे दे कि मैंने पार्टी छोड़ी तो सदस्यता चली जाएगी। ऐसा काम कर रहे हैं। अब हीरोइन को लेकर के आए थे एक साथी, वो हीरोइन को ही लेके चले गए इधर उधर। नेताजी ने हीरोइन के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चाय पर चुटकी ली। बोले, मोदी सिर्फ टीवी और अखबार में दिखते हैं, राजनीतिक गलियारों में उनका कोई शोर शराबा नहीं है। वो आपके इन टीवी में हैं और कुछ थोड़े से मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, उसमें भी हैं, थोड़ा बहुत है, इसमें बहुत है, पता नहीं क्या वजह है। अब आप लोग मोदी 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 मोदी, क्या है मोदी? समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एमएलसी चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के बावजूद मुलायम सिंह ने वोटरों को रिझाने के लिए 232 करोड़ की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास कर ही दिया। इसके साथ ही पार्टी छोड़ चुके अपने पुराने साथियों पर भी व्यंग किया। सौरभ दुबे, न्यूज एक्सप्रेस, इटावा।